तो थलापति की लियो और टाइगर की गणपत इन दोनों मूवीज को रिलीज होकर 4-5 दिन हो चुके हैं, तो इन दोनों में से कौन सी मूवी हिट होगी या फ्लॉप, ये हमें इन दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस की परफॉर्मेंस से पता चलेगा। तो चलिए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं और इतने दिनों में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कितने की कमाई की है ये भी जानते हैं। तो पहले बात करते हैं थलापति विजय की लियो मूवी की, जो कि 19 अक्टूबर को रिलीज हुई है। तो इस मूवी में थलापति विजय के अलावा त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा भी है। वैसे इस मूवी को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने और म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने, और साथ ही में लियो मूवी एलसीयू का भी पार्ट है। एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें कैथी और विक्रम भी आती है। तो ये मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी, जिसने अपने ओपनिंग डे पर 64.80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिसमें से तमिल में 48.96 और हिंदी में 2.80 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी इस मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई तमिल लैंग्वेज में की है, क्योंकि थलापति विजय एक तमिल स्टार है। और सिर्फ इसी दिन नहीं, आगे भी मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई तमिल में ही की है। वैसे इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मूवी के मेकर्स ने इसका प्रमोशन हिंदी में नहीं किया है, और ऊपर से ये मूवी सिर्फ सिंगल स्क्रीन में ही रिलीज हुई है। अगर ये मूवी आईनॉक्स, पीवीआर जैसे थिएटर्स में रिलीज होती तो इस मूवी की कलेक्शंस और भी ज्यादा होते। तो खैर, दूसरे दिन इस मूवी के कलेक्शंस में हमें सीधा 45% का डाउनफॉल देखने को मिला और इस मूवी ने 35.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। तो तीसरे दिन सैटरडे था, तो इस मूवी के कलेक्शंस में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली और इस मूवी ने सैटरडे को 39.80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, और सैटरडे से थोड़ा ज्यादा इस मूवी ने संडे को 41.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। तो तुम देख रहे हो ओपनिंग डे के मुकाबले फिर भी इस मूवी ने संडे को कम ही कमाया है। तो फिर संडे के बाद मंडे को इस मूवी के कलेक्शंस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन सिर्फ 14% का, और इस मूवी ने मंडे को 35.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और ट्यूसडे की बात करो तो इस मूवी ने 32.70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, और अब तक टोटल इस मूवी ने 249.80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से तमिल में इस मूवी ने लगभग 204 करोड़ और हिंदी में सिर्फ 13 करोड़ का कलेक्शन किया है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी ने 458.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो अब इस मूवी का बजट 250 से लेकर 350 करोड़ के बीच में बताया जा रहा था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी ने अपना बजट कवर कर लिया है, लेकिन जितना इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था उतना तो ये मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है। तो लियो रिलीज होने के दूसरे दिन ही 20 अक्टूबर को गणपत मूवी रिलीज हुई थी, और ये मूवी एक डिस्टोपियन फ्यूचर वाली थी, जिसकी स्टोरी 2070 में सेट थी। यानी इस बात से आपको तो ये क्लियर हो गया होगा कि इस मूवी में कितना VFX यूज किया गया होगा। तो इस मूवी का बजट 150 से 200 करोड़ के बीच में है, और इस मूवी का VFX एक्चुअल में आदिपुर से भी खराब था। अब जो लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिस्टोपियन फ्यूचर मूवी के मुकाबले इस मूवी का बजट काफी कम है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है तो उस मूवी के VFX कितने अच्छे थे, जबकि उस मूवी का बजट सिर्फ 5 करोड़ ही था। तो खैर, जो भी हो, इस मूवी ने ओपनिंग ली थी 2.50 करोड़ के नेट कलेक्शन से, और आगे भी इस मूवी ने इसी के आसपास ही कमाई की है। तो दूसरे दिन सैटरडे था, तो हमें उल्टा इस मूवी के कलेक्शंस में 10% का डाउनफॉल देखने को मिला और इस मूवी ने 2.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि संडे को इस मूवी के कलेक्शंस में कितना ग्रोथ देखने को मिला होगा? जितना इस मूवी ने सैटरडे को कमाया था उतना ही संडे को कमाया है, यानी 2.25 करोड़। तो फिर आता है मंडे, जिस दिन अच्छे अच्छे मूवीज की हवा टाइट हो जाती है, और वैसे भी ये मूवी कौन सी अच्छी थी, तो इसलिए इस मूवी ने मंडे को ज्यादा नहीं 1.30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। तो इस मूवी ने अब तक 9.80 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 13.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के मेकर्स काफी सोचेंगे कि इस मूवी का अगला पार्ट लाना है या फिर नहीं। खैर, जो भी हो, बॉलीवुड की काफी टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है मिशन रानीगंज, और उस मूवी ने अब तक 31.20 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि लियो मूवी और कितना कमा पाएगी, और क्या गणपत मूवी अपने बजट को कवर कर पाएगी? जो भी हो, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।